हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं कक्षा दो का गणित का विषय पढ़ाने जा रही हूँ स्वाध्याय पुस्तिका में। तो आज हम आप देखेंगे चैप्टर 5, जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया था उसका पेज नंबर 56 तक मैंने पढ़ा दिया है। आज पेज नंबर 57 हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहला है समझो और आगे जोड़ो। समझो और आगे जोड़ना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये समझना है। सिर्फ यहाँ पे कितना हम दो दो का जोड़ करें, कितने का करेंगे, दो दो का इसमें जोड़ करना है। तो देखो, दो दो का जोड़ करेंगे तो ये 8 पे आ गया, ये 10 पे आ गया, ये 12 पे आ गया, ये 14 पे आ गया, ये 16 पे आ गया, ये 18 पे आ गया और ये 20 पे आ गया, है ना बच्चों। इस तरह से हमको ये जोड़ना है। अब तीसरा है छूटी हुई संख्या लिखो। तो छूटी हुई संख्या को हमको क्या करना है, दो दो के जोड़ से लिखना है। तो देखो, 20 है यहाँ 22 लिखेंगे, 24 है यहाँ 26 लिखेंगे, यहाँ 28 लिखेंगे, यहाँ 30 है, फिर 32 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, 36 और 38। तो हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 20 के अंदर 2 डालेंगे तो 22, 22 के अंदर 2 डालेंगे तो 24, 24 के अंदर 2 डालेंगे तो 26, 26 के अंदर 2 डालेंगे तो 28, 28 के अंदर 2 डालेंगे तो 30, 30 के अंदर 2 डालेंगे तो 32, 32 के अंदर 2 डालेंगे तो 34, 34 के अंदर 2 डालेंगे 36, 36 के अंदर 2 डालेंगे तो 38। तो इस तरह से हमको ये करना है। अब देखो, यहाँ पे 40, 40 के अंदर 2 डालेंगे तो 42, 42 के अंदर 2 डालेंगे 44, 44 के अंदर 2 डालेंगे 46, फिर 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये करना है। इसमें क्या करना है, 40 के अंदर 2 डालना है, फिर 42 के अंदर 2 डालना है, फिर 44 के अंदर 2 डालना है और 46 के अंदर 2 डालना है, 48 में 2 डालना है, 50 में 2 डालना है। इस तरह से फिर 50 में 2 डालेंगे तो 52, 52 में 2 डालेंगे 54, 54 में 2 डालेंगे 56, 56 में 2 डालेंगे 58 होगा, 58 में 2 डालेंगे 60, 60 में 2 डालेंगे 62, 62 में 2 डालेंगे 64, 64 में 2 डालेंगे 66, 66 में 2 डालेंगे 58, तो इस तरह 68। तो इस तरह से हमको करना है। अब देखो, चौथा है हर दूसरे स्थान पर आने वाली संख्याओं के खाने में अपने मनपसंद रंग भरना है। तो हर दूसरे पे, जैसे देखो, यहाँ 2 के अंदर रंग भरना है, 4 के अंदर रंग भरना है, 6 के अंदर रंग भरना है, 8 के अंदर भरना है, 10 के अंदर। अब यहाँ पे 12 के अंदर रंग भरना है, 14 में भरना है, 16 में भरना है, 18 में भरना है, 20 में। तो आपको 1 से 100 तक गिनती दी हुई है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, रंग भरना है। क्या करना है बच्चों, रंग भरना है। तो इस तरह से आपको ये रंग भर के कंप्लीट कर देना है। अब देखो, पीछे है हमारा समझो और गिनो। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, 3-3 का करना है, यहाँ पे हमको 3-3 का कर देना है। तो देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 15, फिर 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो बच्चों, इस तरह से हमको ये भी कंप्लीट करना है। अब हमको 16 नंबर है, छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। हमको यहाँ पे क्या करना है, छूटी हुई संख्या। तो 30 के बाद 33, 33 के बाद 36 है, फिर 39 है, 42 है, 45 है, 48 है, 51 है और 54 है। तो 30 के अंदर 3 डालेंगे 33, 33 के अंदर 3 डालेंगे 36, 36 के अंदर 3 डालेंगे 39, 39 के अंदर 3 डालेंगे 42, 42 के अंदर 3 डालेंगे 45, 45 के अंदर 3 डालेंगे 48, 48 के अंदर 3 डालेंगे 51, 51 के अंदर 3 डालेंगे 54। तो इस तरह से हमको करना है। अब यहाँ देखो, 60 के अंदर 3 डालेंगे 63, 63 के अंदर 3 डालेंगे 66, यहाँ पे 69, फिर 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 और 93। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये पूरा करना है। अब देखो, हम करते हैं चलो गुरु कार्य करें। पैटर्न में खाली स्थान पूर्ण करनी, पैटर्न में हमको खाली स्थान पूर्ण करनी है। तो देखो, यहाँ पे एक पैटर्न दी हुई है हमारी, फिर ये पैटर्न यहाँ दौड़नी है, ये दिल वाली पैटर्न दौड़नी है, फिर ये त्रिकोण वाली पैटर्न दौड़ी हुई है तो ये हमारा चौरस है जो दौड़ना है, फिर ये वापस ऐसा दौड़ना है और ऐसा दौड़ना है। तो आपको ये पैटर्न अपने आप से दौड़ के पूरी करनी है।
ठीक है ना बच्चों, ये आपको पेटेंट अपने आप से दौड़ देना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे दूसरा भी इसी तरह पेटेंट है, तीसरा भी है, चौथा और पांचवा, इस तरह से ये पेटेंट आपको करनी है। अब देखो यहाँ एक दो ए दो एक, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, दो, सॉरी बच्चों एक आएगा यहाँ पे, एक दो, फिर एक एक दो, इस तरह से हमको ये पूरा करना है। अब देखो यहाँ दो के पास है चौरस, हम यहाँ पे दौड़ेंगे, फिर यहाँ चार के बाद है तो वर्तुल दौड़े वर्तल दौड़ेंगे, फिर छः के पास है तो चौरस दौड़ देंगे, और ये हमारा त्रिकोण बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो 39 यहाँ पे हमको गिनती दी हुई है, उसको पूरी करनी है। जो हमको कैसे करनी है बच्चों वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पे 39 है, 39 में 10 डालेंगे तो 49, 49 में 59, 69, 79 और 89 और 99, तो इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। फिर देखो यहाँ चार के अंदर चार दिया है, चार के अंदर दूसरे चार डालेंगे तो 8 आएगा, 8 के अंदर दूसरे चार डालेंगे तो 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, तो इस तरह से हमको करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारी पेटेंट प्रतिरूप आगे बढ़ानी है, हमको पेटेंट जो दी हुई है बच्चों वो हमको क्या करनी है, आगे बढ़ानी है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे पेटेंट में हमको ऐसे ही दिया है, फिर इस पेटेंट को ऐसे बढ़ाया है, फिर इसको ऐसे बढ़ाया है, इसको इतना बढ़ाया है, फिर इसको ऐसे बढ़ाया, तो इस तरह से पेटेंट पूरी की हुई है। अब यहाँ पे देखो एक गोल किया है, दो गोल किया है, तीन गोल किया है, चार गोल किया है, तो हम यहाँ कितने गोल कर देंगे, 5 गोल कर देंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, 5 गोल कर देंगे। फिर देखो यहाँ एक तीर दिया है, यहाँ दो तीर है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, तो हम यहाँ कितने तीर बनाएंगे, 5 तीर बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे हमको 5 तीर बनाने हैं। हो गया बच्चों 5 तीर। फिर देखो यहाँ पे एक त्रिकोण है, यहाँ दो त्रिकोण है, यहाँ तीन त्रिकोण है, यहाँ चार त्रिकोण है, अब यहाँ पे हमको 5 त्रिकोण बना देंगे, तो इस तरह से हम 5 त्रिकोण बना देंगे, बन गए। अब देखो यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसी लिटी दो है, ये तीन है, ये चार है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे हम 5 लिटी बना देंगे। हो गया बच्चों। फिर देखो यहाँ पे है एक है, दो तीन चार, तो एक दो तीन चार और ये 5। तो बच्चों मैंने आपको खाली समझाया, आपको अच्छे तरह से करना है। अब नीचे की भी है, वो भी इसी तरह से, वो भी आपको इसी तरह से बनाना है। अब देखो आगे है 8वां, पैटर्न में अलग दिखाई देने वाली आकृति पर गलत करना है। पैटर्न में जो अलग दिखाई देती है वो आकृति पे हमको गलत करना है। तो देखो यहाँ हमारा है जो अलग है उस पर गलत करेंगे, ये भी अलग है इस पर गलत करेंगे, फिर इस पेटेंट में ये अलग है तो इस पर गलत करेंगे, फिर इस पेटेंट में ये अलग है तो इस पर गलत करेंगे, और इस पेटेंट में ये गलत है तो इस पर गलत करेंगे, और इसमें ये है तो इस पर गलत करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको जितना कराया है वो आपकी स्वाध्याय पोथी में आपको भरना है। तो अब एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको बच्चों, यहाँ पे हमको क्या करना है, दो दो की गिनती करके लिखना है, दो दो का समूह बना के हमको लिखना है। तो दो दो का समूह बना के हमको ये वाली और ये वाली पूर्ण करनी है। अब यहाँ पे हर दूसरे स्थान पर आने वाली संख्याओं में खाने के में अपने मनपसंद रंग भरने, तो जो दो दो स्थान पे दिए हुए हैं वहाँ पे अपने मनपसंद कलर 1 से 100 तक की गिनती में आप भरेंगे, कोई भी कलर भरो अपने मनपसंद कलर इसमें भरने हैं। फिर देखो यहाँ पे हमको तीन तीन की गिनती लेनी है, तीन तीन की गिनती लेके ये हमको यहाँ से पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे हमको ये पैटर्न दौड़नी है, खाली स्थान पूर्ण करने, पैटर्न दौड़ के यहाँ पे हमको खाली स्थान पूर्ण करना है, तो ये आपको दौड़ के करना है। और ये देखो मैंने यहाँ पे किया है, ये 1 है, तो इस तरह से आप वीडियो में से क्लिक करके लिखेंगे और स्वाध्याय पोथी कंप्लीट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे 10-10 के समूह बना के करना है, यहाँ पे 4-4 के समूह बना के करना है। फिर देखो ये पेटेंट दी हुई है, इन पेटेंटों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, क्या करना है हमको, आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से ये पेटेंटों को आगे बढ़ा देना। अब यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, पेटेंट में अलग दिखाई देने वाली आकृति पर गलत करना है, तो ये गलत करेंगे, फिर यहाँ गलत करेंगे,
यहाँ गलत करेंगे, यहाँ पे गलत करेंगे, यहाँ पे गलत करेंगे, यहाँ पे गलत करेंगे। जो भी हमारी पैटर्न दी हुई है, जो हमारी आकृति दी है उससे अलग हो, उसके ऊपर हमको गलत करना है। तो बच्चों आज आपको पेज नंबर 57, 58, 59 और 60 और 61, इतना पेज नंबर आज आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करना है और पैटर्न दौर के कलर अच्छे से करना है। जो आपको आज आपका चैप्टर 4 पूरा हो गया है, आज आपका चैप्टर 4-5 पूरा हो गया है। इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आज आप अपना इतना स्वाध्याय पोथी कंप्लीट करेंगे, कभी भी आपकी स्वाध्याय पोथी मंगाई जा सकती है और कभी भी आपको बोला जा सकता है कि आप अपनी स्वाध्याय पोथी लेके आ सकते हो स्कूल में। तो इस तरह से बच्चों आपको आपका ये चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर देना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। अब आगे हम अगले पीरियड में पार्ट 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।